हरिवंश का वर्णन एवं श्री कृष्णावतार की संक्षिप्त कथा। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं हरिवंश का वर्णन करूंगा। श्री विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से सोम, सोम से बुध एवं बुध से पुरूर्वा उत्पन्न हुए। पुरूर्वा से आयु, आयु से नहुष तथा नहुष से ययाति का जन्म हुआ। ययाति की पहली पत्नी देवयानी ने यदु और तुर्वसु नामक दो पुत्रों को जन्म दिया। उनकी दूसरी पुत्री शर्मिष्ठा के गर्भ से, जो वृषपर्वा की पुत्री थी, द्रुह, अनु और पुरु, ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए। यदु वंश में यादव नाम से प्रसिद्ध हुए, क्षत्रिय हुए। उन सब में भगवान वासुदेव सर्वश्रेष्ठ थे। परम पुरुष भगवान विष्णु ही इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा ने क्रमशः 6 गर्भ, जो पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, देवकी के उदर में स्थापित किए। देवकी के उदर से 7वें गर्भ के रूप में बलभद्र जी प्रकट हुए थे। ये देवकी से रोहिणी के गर्भ में खींच कर लाए गए थे, इसलिए संकर्षण तथा रोहिणेय कहलाए। तदनंतर श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात के समय 4 भुजाधारी भगवान श्रीहरि प्रकट हुए। उस समय देवकी और वसुदेव ने उनका स्तवन किया। फिर वे दो बाहों वाले नन्हे से बालक बन गए। वसुदेव ने कंस के भय से अपने शिशु को यशोदा की शैया पर पहुंचा दिया और यशोदा की नवजात बालिका को देवकी की शैया पर लाकर सुला दिया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर कंस आ पहुंचा और देवकी के मना करने पर भी उसने उस बालिका को उठाकर शिला पर पटक दिया। उसने आकाशवाणी से सुन रखा था कि देवकी के 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु होगी, इसलिए उसने देवकी के उत्पन्न हुए सभी शिशुओं को मार डाला था। कंस के द्वारा शिला पर पटकी हुई वो बालिका आकाश में उड़ गई और वहीं से इस प्रकार बोली, कंस, मुझे पटकने से तुम्हारा क्या लाभ हुआ? जिनके हाथ से तुम्हारा वध होगा, वे देवताओं के सर्वस्व भूत भगवान तो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ले चुके। ऐसा कहकर वो चली गई। उसी ने देवताओं की प्रार्थना से शुंभ आदि दैत्यों का वध किया। तब इंद्र ने इस प्रकार स्तुति की, जो आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रकाली, भद्रा, शेम्या, शेमकरी तथा नेकबाहु आदि नामों से प्रसिद्ध है। उन जगदम्बा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो तीनों समय इन नामों का पाठ करता है। उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। उधर कंस ने भी बालिका की बात सुनकर नवजात शिशुओं का वध करने के लिए पूतना आदि को सब ओर भेजा। कंस आदि से डरे हुए वसुदेव ने अपने दोनों पुत्रों की रक्षा के लिए उन्हें गोकुल में यशोदापति नंद जी को सौंप दिया था। वहां बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई गौओं तथा ग्वाल वालों के साथ विचरा करते थे। यद्यपि वे संपूर्ण जगत के पालक थे, तो भी व्रज में गोपालक बनकर रहे। एक बार श्री कृष्ण के उधम से तंग आकर मैया यशोदा ने उन्हें रस्सी से उखल में बांध दिया। वे उखल घसीटते हुए 2 अर्जुन वृक्षों के बीच से निकले, इससे वे दोनों वृक्ष टूट कर गिर पड़े। एक दिन श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सो रहे थे। वे माता का स्तनपान करने की इच्छा से अपने पैर फेंक फेंक कर रोने लगे। उनके पैर का हल्का सा आघात लगते ही छकड़ा उलट गया। पुतना अपना स्तन पिलाकर श्री कृष्ण को मारने के लिए उद्यत थी, किंतु श्री कृष्ण ने ही उसका काम तमाम कर दिया। उन्होंने वृंदावन में जाने के पश्चात कालिय नाग को परास्त किया और उसे यमुना के कुंड से निकालकर समुद्र में भेज दिया। बलराम जी के साथ जा गदेह का रूप धारण करने वाले धेनुकासुर को मारकर उन्होंने ताल वन को शेम युक्त स्थान बना दिया तथा वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर और अश्व रूपधारी केशी को मार डाला। फिर श्री कृष्ण ने इंद्रयाग के उत्सव को बंद कराया और उसके स्थान में गिरिराज गोवर्धन की पूजा प्रचलित की। इससे कुपित हो इंद्र ने जो वर्षा आरंभ की, उसका निवारण श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण करके किया। अंत में महेंद्र ने आकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हें गोविंद की पदवी दी। फिर अपने पुत्र अर्जुन को उन्हें सौंपा। इससे संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने पुनः इंद्रयाग का भी उत्सव कराया। तदनंतर एक दिन वे दोनों भाई कंस का संदेश लेकर आए हुए अक्रूर के साथ रथ पर बैठकर मथुरा चले गए। जाते समय श्री कृष्ण में अनुराग रखने वाली गोपियां, जिनके साथ वे भांति भांति की मधुर लीलाएं कर चुके थे, उन्हें बहुत देर तक निहारती रही। मार्ग में अक्रूर ने उनकी स्तुति की। मथुरा में एक रजक धोबी को, जो बहुत बढ़ चढ़ कर बातें बना रहा था, मारकर श्री कृष्ण ने उससे सारे वस्त्र ले लिए। एक माली के द्वार पर उन्होंने बलराम जी के साथ फूल की मालाएं धारण की और माली को उत्तम वर दिया। कंस की दासी कुब्जा ने
उनके शरीर में चंदन का लेप कर दिया। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसका कुबड़ापन दूर कर दिया, उसे सुडोल एवं सुंदरी बना दिया। आगे जाने पर रंगशाला के द्वार पर खड़े हुए कुवलिया पीड नामक मतवाले हाथी को मार डाला और रंगभूमि में प्रवेश करके श्री कृष्ण ने मंच पर बैठे हुए कंस आदि राजाओं के समक्ष चाणूर नामक मल्ल के साथ उसके ललकारने पर कुश्ती लड़ी और बलराम ने मुष्टिक नाम वाले पहलवान के साथ दंगल शुरू किया। उन दोनों भाइयों ने चाणूर, मुष्टिक तथा अन्य पहलवानों को भी बात की बात में मार गिराया। तत्पश्चात श्रीहरि ने मथुराधिपति कंस को मारकर उसके पिता उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बनाया। कंस के दो रानियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। वे दोनों जरासंध की पुत्रियां थीं। उनकी प्रेरणा से जरासंध ने मथुरापुरी पर घेरा डाल दिया और यदुवंशियों के साथ बाणों से युद्ध करने लगा। बलराम और श्री कृष्ण जरासंध को परास्त करके मथुरा छोड़कर गोमंत पर्वत पर चले आए और द्वारका नगरी का निर्माण करके वहीं यदुवंशियों के साथ रहने लगे। उन्होंने युद्ध में वासुदेव नाम धारण करने वाले पौंड्रक को भी मारा तथा भूमिपुत्र नरकासुर का वध करके उसके द्वारा हरकर लाई हुई देवता गंधर्व तथा यक्षों की कन्याओं के साथ विवाह किया। श्री कृष्ण के 16,008 रानियां थीं, उनमें रुक्मिणी आदि प्रधान थी। इसके बाद नरकासुर का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक में गए। वहां से इंद्र को परास्त करके रत्नों सहित मणि पर्वत तथा पारिजात वृक्ष उठा लाए और उन्हें सत्यभामा के भवनों में स्थापित कर दिया। श्री कृष्ण ने सांदीपनि मुनि से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण की थी। शिक्षा पाने के अनंतर उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु के मरे हुए बालक को ला कर दिया था। इसके लिए उन्हें पंचजन नामक दैत्य को परास्त करके यमराज के लोक में भी जाना पड़ा था। वहां यमराज ने उनकी बड़ी पूजा की थी। उन्होंने राजा मुचकुंद के द्वारा कालय वन का वध करवा दिया। उस समय मुचकुंद ने भी भगवान की पूजा की। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव देवकी तथा भगवदत्त ब्राह्मणों का बड़ा आदर सत्कार करते थे। बलभद्र जी के द्वारा रेवती के गर्भ से निषठ और उल्मुक नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण द्वारा जाम्बवती के गर्भ से सांबका का जन्म हुआ। इसी प्रकार अन्य रानियों से अनन्यान्य पुत्र उत्पन्न हुए। रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ था। वे अभी 6 दिन के थे तभी शंबरासुर उन्हें माया बल से हर ले गया। उसने बालक को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मत्स्य उसे निगल गया। उस मत्स्य को एक मल्लाह ने पकड़ा और शंबरासुर को भेंट किया। फिर शंबरासुर ने उस मत्स्य को मायावती के हवाले कर दिया। मायावती ने मत्स्य के पेट में अपने पति को देखकर बड़े आदर से उसका पालन पोषण किया। बड़े हो जाने पर मायावती ने प्रद्युम्न से कहा, नाथ मैं आपकी पत्नी रति हूँ और आप मेरे पति कामदेव हैं। पूर्व काल में भगवान शंकर ने आपको अनंग शरीर रहित कर दिया था। आपके न रहने से शंबरासुर मुझे हर लाया है। मैंने इसकी पत्नी होना स्वीकार नहीं किया। आप माया के ज्ञाता हैं, अतः शंबरासुर को मार डालिए। यह सुनकर प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध किया और अपनी भार्या मायावती के साथ वे श्री कृष्ण के पास चले गए। उनके आगमन से श्री कृष्ण और रुक्मणी को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रद्युम्न से उदार बुद्धि अनिरुद्ध का जन्म हुआ। बड़े होने पर वे उषा के स्वामी हुए। राजा बलि के बाण नामक पुत्र था। उषा उसी की पुत्री थी। उसका निवास स्थान शोणितपुर में था। बाण ने बड़ी भारी तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसको अपना पुत्र मान लिया था। एक दिन शिव जी ने बलोन्मत्त बाणासुर की युद्ध विषयक इच्छा से संतुष्ट होकर उससे कहा, बाण जिस दिन तुम्हारे मलय का मयूर ध्वज अपने आप टूट कर गिर जाए उस दिन यह समझना कि तुम्हें युद्ध प्राप्त होगा। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवती पार्वती भगवान शंकर के साथ क्रीड़ा कर रही थीं। उन्हें देखकर उषा के मन में भी पति की अभिलाषा जागृत हुई। पार्वती जी ने उसके मनोभाव को समझकर कहा, वैशाख मास की द्वादशी तिथि को रात के समय स्वप्न में जिस पुरुष का तुम्हें दर्शन होगा वही तुम्हारा पति होगा। पार्वती जी की ये बात सुनकर उषा बहुत प्रसन्न हुई। उक्त तिथि को जब वो अपने घर में सो गई तो उसे वैसा ही स्वप्न दिखाई दिया। उषा की एक सखी चित्रलेखा थी। वो बाणासुर के मंत्री कुंभांड की कन्या थी। उसके बनाए हुए चित्रपट से उषा ने अनिरुद्ध को पहचाना कि वे ही स्वप्न में उससे मिले थे। उसने चित्रलेखा के ही द्वारा श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध को द्वारका से अपने यहां बुला मंगाया। अनिरुद्ध आए और उषा के साथ विहार करते हुए रहने लगे।
इसी समय मयूरध्वज के रक्षकों ने बाणासुर को ध्वज के गिरने की सूचना दी। फिर तो अनिरुद्ध और बाणासुर में भयंकर युद्ध हुआ। नारद जी के मुख से अनिरुद्ध के शोणितपुर पहुंचने का समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रद्युम्न और बलभद्र को साथ ले गरुड़ पर बैठकर वहां गए और अग्नि एवं माहेश्वर ज्वर को जीतकर शंकर जी के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण और शंकर में परस्पर बाणों के आघात प्रत्याघात से युक्त भीषण युद्ध होने लगा। नंदी, गणेश और कार्तिकेय आदि प्रमुख वीरों को गरुड़ आदि ने तत्काल परास्त कर दिया। श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र का प्रयोग किया जिससे भगवान शंकर जंभाई लेते हुए सो गए। इसी बीच में श्री कृष्ण ने बाणासुर की हजार भुजाएं काट डाली। जृंभणास्त्र का प्रभाव कम होने पर शिवजी ने बाणासुर के लिए अभयदान मांगा। तब श्री कृष्ण ने दो भुजाओं के साथ बाणासुर को जीवित छोड़ दिया और शंकर जी से कहा। श्री कृष्ण बोले, भगवान आपने जब बाणासुर को अभयदान दिया है तो मैंने भी दे दिया। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जो भेद मानता है वो नरक में पड़ता है। अग्निदेव कहते हैं, तदनंतर शिव आदि ने श्री कृष्ण का पूजन किया। वे अनिरुद्ध और उषा आदि के साथ द्वारका में जाकर उग्रसेन आदि यादवों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। अनिरुद्ध के वज्र नामक पुत्र हुआ। उसने मार्कंडेय मुनि से सब विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। बलभद्र जी ने प्रलंबासुर को मारा, यमुना की धारा को खींचकर फेर दिया, द्विविध नामक वानर का संहार किया तथा अपने हल के अग्रभाग से हस्तिनापुर को गंगा में झुकाकर कौरवों के घमंड को चूर चूर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अनेक रूप धारण करके अपनी रुक्मणी आदि रानियों के साथ विहार करते रहे। उन्होंने असंख्य पुत्रों को जन्म दिया। अंत में यादवों का उपसंहार करके वे परमधाम को पधारे। जो इस हरिवंश का पाठ करता है वो संपूर्ण कामनाएं प्राप्त करके अंत में श्री हरि के समीप पहुंच जाता है। महाभारत की संक्षिप्त कथा। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं श्री कृष्ण की महिमा को लक्षित कराने वाला महाभारत का उपाख्यान करता हूं, जिसमें श्री हरि ने पांडवों को निमित्त बनाकर इस पृथ्वी का भार उतारा था। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरुर्वा का जन्म हुआ। पुरुर्वा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से गंगा नंदन भीष्म उत्पन्न हुए। उनके दो छोटे भाई और थे, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। ये शांतनु से सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शांतनु के स्वर्ग लोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्र वीर्य के राज्य का पालन किया। चित्रांगद बाल्य अवस्था में ही चित्रांगद नाम वाले गंधर्व के द्वारा मारे गए। फिर भीष्म संग्राम में विपक्षी को परास्त करके कशिराज की दो कन्याओं अंबिका और अंबालिका को हर लाए। वे दोनों विचित्रवीर्य की भार्याएं हुईं। कुछ काल के बाद राजा विचित्रवीर्य राज्य यक्षमा से ग्रस्त हो स्वर्गवासी हो गए। तब सत्यवती की अनुमति से व्यास जी के द्वारा अंबिका के गर्भ से राजा धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। राजा पांडु वन में रहते थे। वे एक ऋषि के शापवश शतश्रृंग मुनि के आश्रम के पास स्त्री समागम के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। पांडु शाप के ही कारण स्त्री संभोग से दूर रहते थे, इसलिए उनकी आज्ञा के अनुसार कुंती के गर्भ से धर्म के अंश से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन उत्पन्न हुए। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के गर्भ से अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल सहदेव का जन्म हुआ। शापवश एक दिन माद्री के साथ संभोग होने से पांडु की मृत्यु हो गई और माद्री भी उनके साथ सती हो गई। जब कुंती का विवाह नहीं हुआ था उसी समय सूर्य के अंश से उनके गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ। वो दुर्योधन के आश्रय में रहता था। दैव योग से कौरवों और पांडवों में वैर की आग प्रज्वलित हो उठी। दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। उसने लाक्षा के बने हुए घर में पांडवों को रखकर आग लगाकर उन्हें जलाने का प्रयत्न किया, किंतु पांचों पांडव अपनी माता के साथ उस जलते हुए घर से बाहर निकल गए। वहां से एक चक्रा नगरी में जाकर वे मुनि के वेश में एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। फिर बक नामक राक्षस का वध करके वे पांचाल राज्य में, जहां द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था, गए। वहां अर्जुन के बाहुबल से मत्सभेद होने पर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। तत्पश्चात दुर्योधन आदि को
उनके जीवित होने का पता चलने पर उन्होंने कौरवों से अपना आधा राज्य भी प्राप्त कर लिया। अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गांडीव धनुष और उत्तम रथ प्राप्त किया था। उन्हें युद्ध में भगवान कृष्ण जैसे सारथी मिले थे। उन्होंने आचार्य द्रोण से ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य आयुध और कभी न नष्ट होने वाले बाण प्राप्त किए थे। सभी पांडव सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीण थे। पांडु कुमार अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ खांडव वन में इंद्र के द्वारा दी हुई वृष्टि का अपने बाणों की छत्राकार बांध से निवारण करते हुए अग्नि को तृप्त किया था। पांडवों ने संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाई। युधिष्ठिर राज्य करने लगे। उन्होंने प्रचुर सुवर्ण राशि से परिपूर्ण राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसका ये वैभव दुर्योधन के लिए असह्य उठा। उसने अपने भाई दुशासन और वैभव प्राप्त सुहर्द कर्ण के कहने से शकुनी को साथ ले द्युत सभा में जुए में प्रवृत्त होकर युधिष्ठिर और उसके राज्य को कपट दूत के द्वारा हंसते हंसते जीत लिया। जुए में परास्त होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए। वहां उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 12 वर्ष व्यतीत किए। वे वन में ही पहले की भांति प्रतिदिन बहुसंख्यक ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। एक दिन उन्होंने 88,000 द्विजों सहित दुर्वासा को श्री कृष्ण कृपा से परितृप्त किया। वहां उनके साथ उनकी पत्नी द्रौपदी और पुरोहित गौम्य जी भी थे। 12वां वर्ष बीतने पर वे विराट नगर में गए। वहां युधिष्ठिर सबसे अपरिचित रहकर कंक नामक ब्राह्मण के रूप में रहने लगे। भीमसेन रसोइया बने थे। अर्जुन ने अपना नाम ब्रह्मल्ला रखा था। पांडव पत्नी द्रौपदी रनिवास में सहेंद्री के रूप में रहने लगी। इसी प्रकार नकुल सहदेव ने भी अपने नाम बदल लिए थे। भीमसेन ने रात्रि काल में द्रौपदी का सतीत्व हरण करने की इच्छा रखने वाले कीचक को मार डाला। तत्पश्चात कौरव विराट की गौओं को हर कर ले जाने लगे। तब उन्हें अर्जुन ने परास्त किया। उस समय कौरवों ने पांडवों को पहचान लिया। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने अर्जुन से अभिमन्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। उसे राजा विराट ने अपनी कन्या उत्तरा ब्याह दी। धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान श्री कृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। उन्होंने 11 अक्षौणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा, राजन तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या उन्हें 5 ही गांव अर्पित कर दो, नहीं तो उनके साथ युद्ध करो। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। हाँ, उनसे युद्ध अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर वो भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए उद्यत उठा। उस समय राजसभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम दुर्धर्ष विश्व रूप का दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया। फिर विदुर ने अपने घर ले जाकर भगवान का पूजन और सत्कार किया। तदनंतर वे युधिष्ठिर के पास लौट गए और बोले, महाराज आप दुर्योधन के साथ युद्ध कीजिए।